हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो टैली में हमको बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करना हो तो कैसे हम लोग बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करते हैं। अब जैसे हम लोग सामने का आया हुआ है एसबीआई का जो बैंक स्टेटमेंट, इसमें यदि आप देखेंगे ना तो सबसे ऊपर दिया है अकाउंट नेम। अकाउंट नेम किसका दिया है? लक्ष्मी बिल्डर्स। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको एक कंपनी बनाना होगा, जिस कंपनी का नाम क्या रखना होगा? लक्ष्मी बिल्डर्स। उसके लिए हम आ जाएंगे टैली में और आने के बाद चल जाएंगे इसमें क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में आने के बाद जैसे हमको एक कंपनी बनाना होगा और उसका नाम दे देते हैं हम क्या, लक्ष्मी, क्या दे देंगे, लक्ष्मी बिल्डर्स। इसके बाद नीचे हमको क्या करना होगा, इस तरह एड्रेस, एड्रेस क्या भरना है? तो देखिए, आप दिया रामगोला कसिया रोड, रामगोला कसिया रोड, और नीचे बस नंबर दिए क्या, कुशीनगर। कुशीनगर। अब उसके नीचे हमको इसका स्टेट ले लेना होगा, क्या होगा स्टेट? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। पिन कोड दिया है सात 2743। जीरो अब जो भी टेलीफोन नंबर डिटेल दिया होगा भर फिलअप कर लेंगे, और नहीं यदि भरना है तो कंट्रोल एस हम क्या कर लेंगे, एक्सेल। कंट्रोल एस क्या कर ली, इसको भी कंट्रोल एस से कर लेंगे एक्सेप्ट। अब बच्चे ध्यान दीजिए, अभी तो हमारा लक्ष्य बिल्डर्स नाम से कंपनी बन के आ चुका है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, आपको नीचे ओपनिंग बैलेंस दिख रहा होगा जो दिया है 6,83,319.44 पैसे दिख रहा है, तो ये अमाउंट माइनस में दिया है। अकाउंट अमाउंट किस में दिया है? माइनस में। तो आपका बैंक अकाउंट तो माइनस में जाएगा नहीं, ओडी अकाउंट जो क्रेडिट का लोन का खाता वही माइनस में जाएगा। तो आपको एक अकाउंट लेजर बनाना होगा, क्रिएट और लेजर। और लेजर बनेगा किसका? एसबीआई बैंक का। किसका बनेगा? एसबीआई बैंक। और अंडर ग्रुप रहेगा ओडी अकाउंट, क्या रहेगा? बैंक ओडी अकाउंट। दिख रहा सबको ना? अब बैंक ओडी लिमिट है वो जो दिया है, इसमें ड्राइविंग पावर 10 लाख दिया है ना, तो लिमिट में भरेंगे हम कितना, 10 लाख। कितना भर लेंगे? हाँ, ड्राइविंग पावर, यानी कि वो आपको कितना पैसा दे सकता है बैंक। और यहाँ क्या दिया, सेट ओडी लिमिट, कि आपका ओडी अकाउंट का लिमिट कितना है, कि आप कितना तक लोन ले सकते हैं। अनलिमिटेड तो नहीं ले सकते हैं ना, एक लिमिट होगा कि आप यहाँ तक ले सकते हैं। तो ड्राइविंग पावर कहाँ तक दिया है, 10 लाख। उसके देखिए, हमने अकाउंट होल्डर नेम लिया, लक्ष्मी बिल्डर्स के नाम से है, अकाउंट नंबर दिया है ना, बताइए, 1,2,3,4,5,6,0 है, 3,1,6,5,1,4,2,4,0,6 ये दिया है ना, IFSC कोड दिया है SBIN, जीरो उसके पास क्या दिया है, 00,12,9,11, उसका स्विफ्ट कोड दिया है इसमें ना, ऊपर देखिए CIF नंबर दिख रहा है ना, वो बताइए कितना दिया है, 85,56,71,29,84,6। बैंक नेम नॉट एप्लीकेबल रखना है, ब्रांच कहाँ का है, रामकोला का है ना, रामपुर। बाकी इसमें और कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ये हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। हाँ, अभी एक चीज और भरना है हमको, ओपनिंग बैलेंस, इसलिए अभी सेव नहीं करेंगे, नीचे आ जाएंगे, जो दिया है ना 6,83,319.44। अब ध्यान रखिएगा, ये आपका अकाउंट माइनस में नहीं दिख रहा है, लेकिन माइनस में ही है, क्योंकि ओडी अकाउंट आपका किसका खाता होता है, लोन का खाता होता है। क्लियर है ना? कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेल। तो अभी तो आपने एक लेजर बना के कंप्लीट कर दी, लेजर बना के क्या कर दी, कंप्लीट। कंप्लीट कर दी है। और जब इसके बाद से आप आगे आएंगे तो आपको ट्रांजैक्शन दिखेगा, अकाउंट स्टेटमेंट फ्रॉम 1 मई 2018 से लेकर के 31 मई 2018। तो इसके लिए आपको पहले आना होगा किसमें, वाउचर। अब ट्रांजैक्शन पढ़ी पहले, क्या कह रहा है, कैश डिपॉजिट, कि आप सेल्फ क्या कर रहे हैं, खुद से सेल्फ डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जहां डिपॉजिट शब्द आएगा वहां ये समझिएगा कि बैंक में पैसा जमा किया जा रहा है,
और जहां विड्रा शब्द आएगा वहां ये समझिएगा बैंक से पैसा क्या किया जा रहा है, क्लियर है ना। यानी कि डिपॉजिट का मतलब क्या होगा, जमा करना, और विड्रा का मतलब क्या होगा, निकालना। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस चीज में ट्रांजेक्शन करना है। हम आपको बताया था कि जब कैश और बैंक से सिर्फ लेन देन होगा ना, तो कंट्रा में करते हैं, ये आप लोग पता होगा ना। कैश और बैंक और सिर्फ कॉन्ट्रा में करेंगे, यदि किसी को पेमेंट करेंगे पैसा किसी को देंगे तो पेमेंट वाउचर में, किसी से पैसा लेंगे तो रिसिप्ट वाउचर में, किसी को सेल करेंगे तो सेल्स वाउचर में, और किसी से परचेज करेंगे तो परचेज वाउचर, और यदि एसेट्स को हम परचेज या सेल करेंगे तो जनरल वाउचर। इतना क्लियर है ना। तो हमको लग रहा है कि नहीं कैश डिपोजिट हो रहा है, हम कैश जमा कर रहे हैं बैंक में, बस दो ही बनेगा, एक कैश और दूसरा बैंक, तो किस वाउचर होगा, कंट्रा का शॉर्टकट की F4। अब कंट्रा में हम ये देखेंगे कि कौन हमारा डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। तो आप लोग गोल्डन रूल पढ़े हैं ना, तो गोल्डन रूल के हिसाब से ध्यान दीजिए, पहला आपका अकाउंट बनना किसका, बैंक का, पहला SBI बैंक का ही बनेगा ना, और दूसरा आपका किसका बनेगा, कैश का। तो बैंक अकाउंट किस अकाउंट का है, पर्सनल का, ये किसका है, पर्सनल का है, और ये किसका है, रियल का, आ जाइए, रियल अकाउंट का है। तो अब आप बताइए पर्सनल अकाउंट में देने वाला क्या होता है, क्रेडिट, और पाने वाला डेबिट, और रियल अकाउंट में जब बिजनेस में आता है तो क्या होगा और जाएगा, तो जो हम कैश जमा करें तो कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है ना, तो बैंक क्या हो रहा है, पाने वाला। तो यहाँ पे बैंक बैंक हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैश क्या होगा, कितने रुपए से, देखिए सामने अमाउंट दिया होगा 11,980। अब ध्यान दीजिएगा, जब 11,980 ले रहे हैं ना, तो हमारा कैश निगेटिव में जा रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई कैश नहीं और उसको हम जमा कर रहे हैं, ये पॉसिबल है, यहाँ तो एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन कैश आपका माइनस में दिखाई देगा। तो बेटर तरीका ये रहेगा कि कैश को अल्टर करके आप कुछ अमाउंट भर लीजिएगा, आ जाओ, कैश को क्या करेंगे अल्टर, और इसका अमाउंट भर लिए हम 10 लाख, कितना भर लिए 10 लाख, कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे एक्सेल। अब देखिए माइनस नहीं जा रहा है ना, लेकिन हाँ ध्यान रहे आपका नीचे का जो SBI अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमेशा जो बगल में अमाउंट दे उसके बराबर आना चाहिए। सामने आप लोग देखिए स्टेटमेंट के सामने इधर जो बैलेंस दिख रहा है ना, आप ये ट्रांजेक्शन कर दिए पहला, तो ये पहला आपका बैलेंस क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए, पहला मैच कराइए 6,33,349 44 पैसा आया है जी, यहाँ मैच कराइएगा, यहाँ 6,33,349 रुपया 44 पैसा, यहाँ सामने ये हम पहला किया है ना, 1 मई 2018 का 11,980, उसके सामने वाला जो बैलेंस है ये हमेशा इक्वल टू आना चाहिए सबका, जैसे ट्रांजेक्शन इसका 1,50,000 कर दिए तो ये बराबर आना चाहिए, इसका कर दिए तो ये बराबर आना चाहिए, आ रहा समझे ना, जो ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके सामने वाला अमाउंट हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो माइनस में थोड़ा रेड नहीं दिख रहा है, सर से कितना कैश हम लोग भर सकते हैं, कैसे जितना भर लो आए उतना आ जाए, कितना भरेंगे तो ऊपर वाले से मतलब नहीं है ना हमको, ऊपर हाँ वाला नहीं भरेंगे तो भी आएगा, लेकिन ऊपर वाला भी माइनस में जाएगा, वो भी रेड हो जाएगा, आ रहा समझे ना, वो हमको बार बार निगेटिव ऑप्शन ना दे, इसीलिए बस हमने उसमें कुछ अमाउंट भर लिया, अच्छा आ रहा समझे ना, हमको कैश का अमाउंट मैच नहीं कराना, बस हमको अमाउंट किसका मैच कराना है, बैंक का, बैंक का मैच कर रहा है ना, यस सर इसको कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे। यस अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला भी कह रहा है कैश डिपॉजिट ना, जी तो कैश क्या होगा, क्रेडिट, कितने रुपए से, 1,50,000। तो नीचे देखिए बैंक अकाउंट का बैलेंस इक्वल आया उसी ट्रांजेक्शन में, जी कितना आया है, 5,21,339.44 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, नहीं बिल्कुल सिंपल है। देखिए पहला भी ये फिर दोबारा एक बार और बता दे रहे हैं, हम चले गए कहाँ पे, डे बुक में, और उस ट्रांजेक्शन को हम कर दिए डिलीट, हो जाएगा ना। तो पहले तो आप लोग कंपनी बना कैसे रख लेंगे, कंपनी बनाने के बाद आप आपको एक लेजर बना लेना होगा, किस नाम से, SBI के नाम से, जो भी इन्फॉर्मेशन दे, इन्फॉर्मेशन आपको क्या कर लेना है, भर लेना है, और भरने के बाद जो ओपनिंग अमाउंट दे रहा है ना, उसमें बैलेंस एज ऑन 1 मई 2018 दे रहा है ना, तो 6,83,319.44 रुपया, तो
तो ये पैसा आपको यहाँ पे करेक्ट भर लेना है, भरने के बाद कंपनी को इसको लेजर को क्या कर लेना है, सेल हो जाएगा ना। अब ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, हम ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, करा कैश डिपोजिट। तो पहले हम बनाएंगे इसका अकाउंट, कौन कौन सा बनेगा, बैंक और कैश। बैंक बैंक पाने वाला औरत क्या हो जाएगा, डेबिट, डेबिट। और कैश बिजनेस से जा रहा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसी के बिहेव पे हम क्या करेंगे, वाउचर में आएंगे, कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट। अब ध्यान दीजिए, हम कैश में पहले अमाउंट भर लिए, यदि हम नहीं भरेंगे तो भी हमारा ट्रांजेक्शन होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, अमाउंट बिल्कुल सही आएगा, लेकिन बस अंतर ये होगा ना, यहाँ पे देखिएगा बैलेंस माइनस में दिखाई देगा, 11,900 से दिया है ना, देखिए माइनस में दे रहा है ना, माइनस में भी चला गया इसलिए रेड हो गया है, तो ये नौ दे बार बार रेड, इसलिए हम क्या करेंगे, कैश में आकर कुछ अमाउंट भर लेंगे, कैश में यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ हाँ अमाउंट, चाहे 1 लाख चाहे 10 लाख चाहे 20 लाख, आपको जितना भरना है उतना भर लीजिएगा, हो जाएगा ना, कंट्रोल एस से क्या कर लेंगे, एक्सेल। चल अब देखिए कैश माइनस नहीं जा रहा है ना, अब हमको बस मैच करना अपना एसबीआई का अकाउंट, एसबीआई का अकाउंट हमारा मैच करना चाहिए, तो देखिए जैसे उसके सामने दे रहा है 6,71,339 उतना आ गया पहला वाला, कंट्रोल एस से क्या कर लेंगे। एक्सेल। अब दूसरा आप लोग बताइए, सेम वही कह रहा है ना, कैश डिपोजिट, क्या कह रहा है, कैश डिपोजिट, तो हमको करना यह है कि कैश डिपोजिट यानी कि कैश जमा करना है बैंक में, तो कैश कितने रुपया, 1,50,000, एसबीआई का अमाउंट देखिए उतना आ गया जस्ट उसके सामने, 5,21,349 दशमलव 44, हो जाएगा ना, कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे। अगला ट्रांजेक्शन पढ़िए, कह रहा टू ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब क्या होगा, पेमेंट, जहां पे ट्रांसफर शब्द आए वहां पे समझिएगा क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। टू किसको हो रहा है, कह रहा है एम एस हॉर्स ट्रेडर्स को हो रहा है, यानी कि मिस्टर हॉर्स ट्रेडर्स को आप क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तीसरा वाला देखिए, पेमेंट किसको किया जा रहा है, हॉर्स ट्रेडर्स को किया जा रहा है ना, तो पहले हम देखेंगे कौन कौन सा हमारे पास अकाउंट बनेगा, अकाउंट कौन कौन सा बनेगा, तो पहला तो हमारा बनेगा किसका, बैंक का, ये तो 100% श्योर है कि सब में एक अकाउंट बनेगा, वो हमारा किसका होगा, बैंक का बनेगा, किसका बनेगा, बैंक। और इसमें ये पाने वाला कौन, किसको हम पेमेंट कर रहे हैं, रमेश ट्रेडर्स को ना, क्लियर तो दूसरा बन जाए किसका, रमेश ट्रेडर्स, क्लियर है ना। अच्छा हर्ष दिया है ना जी, वो दूसरा नाम ले ले रहा है ना, यानी पहला बैंक का और दूसरा हर्ष, आ रहा समझ में। अब हम ये देखेंगे बैंक यहाँ देने वाला है कि पाने वाला है, पेमेंट वाला, सर बैंक दे रहा है ना, तो देने वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और हॉर्स ट्रेडर्स को हम पेमेंट कर दिया, क्या हो गया, पाने वाला, तो पाने वाला ये क्या हो जाएगा, डेबिट, ना क्लियर है ना। तो अब उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, आ जाएंगे पेमेंट वाउचर में, करना होगा ना, कि जब किसी को पेमेंट करें किस वाउचर में, पेमेंट, तब कॉन्ट्रा में थोड़ी करेंगे, पहले बताएं एक बार समझ लीजिए अच्छे से, कि जब बैंक और कैश से लेन देन होगा तो कंट्रा में होगा, जब किसी को पैसा पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वाउचर, जब किसी से पैसा रिसीव करेंगे तो रिसीव वाउचर, कुछ परचेज करेंगे तो परचेज वाउचर, और सेल करेंगे तो सेल वाउचर, और जब कोई एसेट्स परचेज या सेल करना हो तो जनरल वाउचर, इतना क्लियर है ना। तो अब देखिए ये पेमेंट किया जाए किस वाउचर में आना होगा हमको, पेमेंट वाउचर। अब डेबिट हमारा कौन हो रहा था, हॉर्स ट्रेडर्स ना, तो एक अकाउंट क्रिएट करेंगे किस नाम से, मिस्टर हॉर्स हॉर्स ट्रेडर्स, चलो मिस्टर ही ले लिए, मिस्टर हॉर्स ट्रेडर्स, अंडर ग्रुप क्या होगा, हम इसको पेमेंट करते हैं, हमारा सप्लायर को ही पेमेंट करेंगे ना, तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिट, कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। कितना पेमेंट कर रहे हैं बताइए, तो 29,793। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेंगे, और न्यू रेफरेंस लेने के बाद यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे किसको, एसबीआई बैंक अकाउंट, देखिए जितना उसके सामने अमाउंट आया उतना मैच किया है,
5,51,132 रुपया 44 पैसे मैच किया उतना हो जाएगा। कंट्रोल से इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा ये भी। अब अगला कह रहा है कि टू ट्रांसफर, आप यहां पर भी पेमेंट करें किसको, तो गुप्ता ट्रेडिंग कारपोरेशन, किसको पेमेंट कर रहे हैं, गुप्ता ट्रेडिंग कारपोरेशन को। और आगे कह रहा है कितने अमाउंट का कर रहे हैं, तो 18,612.12। एक चीज ध्यान दीजिए, हम इसका चाहे तो दो तरीके से एंट्री कर सकते हैं कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं ना, तो लास्ट का जो 2.36 पैसा है ये बैंक चार्ज में हम काट सकते हैं। आप बैंक चार्ज जैसे पेमेंट करते समय कभी कभी बैंक चार्ज नहीं ले लेते अपना, ट्रांजेक्शन पे कभी 10 रुपया कभी 2 रुपया कभी 4 पैसे ट्रांजेक्शन अपना काट लेता है, आया समझ ना। तो हम चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, चार्ज दे सकते हैं, या फिलहाल जब पेमेंट कर रहे हैं तो एक लेजर बना लेंगे किस नाम से, गुप्ता ट्रेडर्स है ना, बस गुप्ता ट्रेडर्स ले लिया, कॉर्पोरेशन छोड़ दी। उसके आगे सिंडिकेटर्स रहेगा, कंट्रोल से क्या कर लेंगे, कितना पेमेंट करें देखिए, तो 18,612.36। और नहीं अगर हम, अगर हमको बैंक चार्ज देना होगा ना, देखिए तब क्या करेंगे, हम यहाँ पे देंगे कितना 18,610, कितना देंगे 18,600 न्यू रेफरेंस। और उसके बाद से इसको भी डेबिट करेंगे, इसको क्या करेंगे डेबिट, और एक लेजर बनाएंगे बैंक चार्ज के नाम से, किस नाम से, बैंक चार्ज के नाम से, और अंडर ग्रुप रखेंगे बैंक अकाउंट, और कंट्रोल ए से एक्सेल, कितना रुपया हो रहा है 2.36 पैसे। इसको भी कर लेंगे सेव, और नीचे क्रेडिट कर देंगे किसको, गुप्ता ट्रेडर्स, नहीं जी SBI हो जाएगा ना, SBI। अब देखिए बैलेंस मैच करा, इतना आया बैलेंस 5,69,744.80 रुपए। ये ध्यान रखिएगा कि अगर जो आपको एक्स्ट्रा पैसा दिख रहा है तो अगर जो आप चाहते हैं तो दे सकते हैं, और नहीं सिंपली आप चाहते हैं बैंक चार्ज नहीं देना है तो भी आप कर सकते हैं। कैसे, तो ले लीजिए किसको पेमेंट कर रहे हैं, गुप्ता ट्रेडर्स, कितना रुपया है 18,612.36 न्यू रेफरेंस, और यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे किसको, SBI पे। तो भी देखिए अमाउंट आ गया है ना, हो जाएगा ना। जैसे मुझे कहीं काम कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि नहीं इसमें बैंक चार्ज लगा हुआ है तो बैंक चार्ज ऐड कर लेंगे, आ रहा समझे ना। जैसे सपोज करिए हम कहीं काम कर रहे हैं और बैंक से पेमेंट किया गया, वो उतना चार्ज काट लिया, आ रहा समझे ना, और हमसे कहा गया देखिए ये पेमेंट जब हुआ है ना तो इसमें बैंक चार्ज हमारा लिया था इतना रुपया, उसके लिए हम उसी को डेबिट करके और बैंक चार्ज उसमें क्या करेंगे लगा देंगे जितना बैंक लिया हो जाएगा ना। और यदि नहीं है तो फिर नॉर्मली हम ऐसे ट्रांजेक्शन कर, कंट्रोल से इसको भी क्या कर लेंगे, एक्सेल हो जाएगा। और फिर अगला हमारा ट्रांजेक्शन आ जाएगा दूसरे तरफ आ जाइए। ये भी क्या कह रहा है, ट्रांसफर किसको किया जा रहा है, एशियन पेंट्स को। तो फिर से एक लेजर क्रिएट करेंगे किस नाम से, और यदि आप अभी आपको सीखना है ये ट्रांजेक्शन, यदि बार बार नहीं कर पा रहे हैं तो दोनों में से किसी एक का नाम ले लीजिए, क्योंकि किसी को पेमेंट करना ही करना है, चाहे हर्ष का ले लीजिए चाहे गुप्ता। मान लीजिए कि आपका एशियन पेंट्स हो गया, कितना पेमेंट कर रहे हैं 15,002.36 रुपया। इसका भी आप बैंक चार्ज ले सकते हैं, इसका भी हम क्या कर सकते हैं बैंक चार्ज ले सकते हैं, और नहीं लेना फिर इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए जितना अमाउंट है उतना मैच किया हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें कर लेंगे सभी लोग ना। चलिए कंट्रोल से इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। उसके बाद अगला देख लीजिए, बल्क पोस्टिंग। बल्क पोस्टिंग का मतलब क्या होगा, आप क्या कर अपने बैंक में पैसा किससे रिसीव कर रहे हैं, बल्क पोस्टिंग का मतलब समझिएगा रिसीव करना, क्या होगा रिसीव करना। अब एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए कि जब भी आपको कुछ ऐसा इनकम हो या कुछ ऐसा एक्सपेंस हो जिसका आपको पता नहीं है कि किस नाम से हो रहा है,
तो उसके लिए आप एक लेजर बनाएंगे सस्पेंस नाम से। किस नाम से? सस्पेंस नाम। सस्पेंस का मतलब क्या होगा, यानी कि आपको पता नहीं है कि किस अमाउंट के माध्यम से हो रहा है। आ रहा समझे ना? तो इसलिए हम यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। किस नाम से? सस्पेंस। किस नाम से बनाएंगे? सस्पेंस। सस्पेंस। अंडर ग्रुप भी क्या रखेंगे हम? सस्पेंस ही रखेंगे। क्या रखेंगे? सस्पेंस। सस्पेंस और अंडर ग्रुप भी हम यहाँ पे रखेंगे सस्पेंस अकाउंट। सेल्स हो गया क्या जी? का सस्पेंस अकाउंट। कंट्रोल से क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट। अब देखिए, अभी पैसा रिसीव हो रहा है बल्क पोस्टिंग ना, तो हम किस वाउचर में जाएंगे? रिसिप्ट वाउचर में। और रिसिप्ट वाउचर में जाने वाले ले लेंगे सस्पेंस, और सस्पेंस के बाद कर देंगे कितना रुपया हो रहा है? 80 22.91 किस में हो रहा है? तो बैंक अकाउंट। देखिए जितना उसके सामने अमाउंट आया, वो अमाउंट आया 7,76,724.25 पैसे आया है। कंट्रोल से क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट। और अगला कह रहा है टू ट्रांसफर, यानी कि देखिए इस बार पैसा निकाला जा रहा है किसके माध्यम से? चेक के माध्यम से। विड्रा का मतलब मैंने पहले बताया, विड्रा का मतलब क्या होगा? निकालना। और डिपॉजिट का मतलब क्या होगा? जमा कर। तो यहाँ पे जब कैश और बैंक के बीच ही हो रहा है ना, जी चेक के माध्यम से निकाला तो कैसे निकलेगा? तो किस वाउचर में जाएंगे हम? कंट्रा। अब यहाँ पे देखिए देने वाला कौन है? बैंक है। हम बैंक को ऊपर क्या कर लेंगे? क्रेडिट। कितने रुपए से? कौन सा? 73 है ना, तो 73,86,2.00 यही रहेगा। अगर जो उसका चेक नंबर है तो चेक नंबर भरेंगे, और नहीं तो फिलहाल इसको क्या कर लेंगे? छोड़ लेंगे। क्या निकालना है? कैसे निकालेंगे ना? देखिए ऊपर उसका अमाउंट मैच किया है चेक वाला, 6,50,586.25 हो जाएगा। कंट्रोल से क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट। हो जाएगा? नहीं तो लिखते जाइए कौन सा किस में होगा। सिंपल लिख लीजिए सी कॉन्ट्रा, और रिसिप्ट के लिए आर, पेमेंट के लिए बी। उस ट्रांजेक्शन के सामने लिख लीजिए ताकि उसमें करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। कंट्रा हो जाएगा ना? पहला किस में था? कंट्रा कंट्रा। दूसरा कॉन्ट्रा। तीसरा पेमेंट। चौथा पेमेंट पेमेंट। हो गया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पहले वाला क्या है? पेमेंट पेमेंट। दूसरा वाला इसी रिसीव। इसमें लिख लीजिएगा एक लेजर बनाएंगे किस नाम से? सस्पेंस नाम से। और उसका भी अंडर ग्रुप क्या रखेंगे? कंट्रा सस्पेंस अकाउंट। उसके नीचे कंट्रा बल्क पोस्टिंग के नीचे क्या दिया? कंट्रा। हो जाएगा ना? कंट्रा के जस्ट नीचे कैश डिपॉजिट, फिर ये भी कंट्रा में ही होगा। कैश डिपॉजिट का मतलब क्या होगा? जमा कर रहे हैं। डिपॉजिट का मतलब क्या होगा? जमा करना। कैश जमा कर रहे हैं कितना? 1,40,000। 1,40,000 1,40,000 किससे? बैंक से। बैंक अमाउंट देखिए कितना है? 5,10,10,586.25। ये किसमें होगा? कंट्रा में। अगला चेक से विड्रा हो रहा है, ये भी किसमें हो जाएगा? कंट्रा में। हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, इसका हम लोग चाहे ना तो रिसिप्ट वाउचर में भी एंट्री कर सकते हैं। कैसे? जो विड्रा कर रहे हैं हम लोग बैंक से निकाल रहे हैं, तो चाहे तो इसमें भी कर सकते हैं रिसिप्ट में। कैसे देख लीजिए, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे ले लेंगे क्या कैश? कैश नहीं, पहले बैंक लेंगे। बैंक देने वाला है ना, तो बैंक को करेंगे क्रेडिट। कितना रुपया? 1,00,000 दे रहा है ना? 1,00,000। जो भी चेक नंबर दिया हो चेक नंबर भर लेंगे, और ले लेंगे किसमें? कैश में। देखिए तो भी ऊपर वाला अमाउंट आया है इक्वल टू 6,10,586। आ रहा समझे ना? कर सकते हैं, लेकिन ये जबरदस्ती वाला तरीका होगा, क्योंकि हम दोनों तरीका बता दे रहे हैं। इसका रियल तरीका क्या है कि जब हम सिर्फ कैश और बैंक से कर रहे हैं तो कंट्रा वाउचर में ही करें। कैसा आ रहा समझे ना? इसी ट्रांजेक्शन हम किस में कर लेंगे? कंट्रा वाउचर। क्योंकि सिर्फ बैलेंस मैच कराए तो वो किसी में भी हो जाएगा, लेकिन उसका एक रूल होगा कौन सा किस में किया जाए। हो जाएगा ना? कंट्रा
कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे एक्सेल। उसके बाद से देखिए अगला ट्रांसफर के लिए दिया था, ये भी किसमें होगा, चेक के माध्यम से डिपॉजिट किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है, चेक डिपॉजिट, ये भी किसमें होगा कंट्रा। फिर नीचे वाला भी किसमें होगा कंट्रा। ऊपर से नीचे तक यानी कि नीचे नीचे से दूसरा नंबर को छोड़ करके बाकी सारा किसमें होगा कंट्रा में, और जो बीच वाला डेबिट ये टू डेबिट वाला है ये किसमें होगा रिसिप्ट वाउचर। कर लिया सभी लोग ना, अब कोई दिक्कत इसमें। सबसे नीचे वाला भी किसमें होगा बल्क पोस्टिंग दिया है ना, बल्क पोस्टिंग रिसिप्ट में होगा, बल्क पोस्टिंग किसमें होगा रिसिप्ट में। जस्ट उसके ऊपर वाला किसमें होगा, नहीं जस्ट उसके ऊपर वाला टू डेबिट दिया है ना, इसको पेमेंट वाउचर में करेंगे, किसमें करेंगे पेमेंट और चेक डिपॉजिट किसमें हो जाएगा कंट्रा, उसके ऊपर क्रेडिट पैड कंट्रा में, उसके बाद चेक डिपॉजिट कंट्रा में, उसके ऊपर चेक डिपॉजिट दिया वो भी किसमें कंट्रा में, और ये चेक विड्रॉ तक हमने आपको बता ही दिया, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आप लोग कितना करना अपने मन से, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। बट ध्यान रहे अगर जो आप एक का ट्रांजेक्शन गलत करेंगे ना, एक ट्रांजेक्शन गलत करेंगे तो सारा क्या होता जाएगा, अपने आप गलत होता जाएगा, आ रहा समझे ना, एक जगह बैलेंस गलत बताएगा तो हर जगह बैलेंस गलत ही बताएगा। कर ले जाएंगे सभी लोग ना।